टेक्नोसाल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों ASP.NET विद सी शार्प ट्यूटोरियल, जो ASP.NET विद सी शार्प ट्यूटोरियल है उसमें आज का जो ट्यूटोरियल का वीडियो है उसमें हम बात करेंगे जो वीडियो की जो एडिटिंग के जो कमांड है, रो कमांड है, उसमें दोस्तों रो अपडेटिंग, डिलीटिंग और जो इंसर्टिंग है वो अहम है, जिसमें हम ज़्यादातर वर्क्स करते हैं। लेकिन जो रो कैंसलिंग एंड जो एडिटिंग जो हम उसमें इवेंट रखते हैं उनमें से दोस्तों आज हम बात करेंगे रो अपडेटिंग के बारे में। उसका पूरा ट्यूटोरियल हम देखेंगे और कैसे उसका कोड किया जाता है। दोस्तों सिंपल कोड में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और हम अच्छे से समझेंगे। तो चलो दोस्तों चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे। दोस्तों हमें अपने विजुअल स्टूडियो है उसको ओपन कर लेना है। जैसे ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा तो आपको यहाँ पर जो राइट साइड क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन मिल रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है और एक जो न्यू प्रोजेक्ट है उसको ले लेना है। दोस्तों क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट का ये जो पेज आपके सामने ओपन हो जाए उसके बाद यहाँ से आपको जो सी शार्प सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आप विंडो से उसको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे जो डेस्कटॉप है वहाँ पे हमें वेब सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको वेब है उसको चूज कर लेना है। जैसे आप स्क्रॉल करोगे लास्ट में वेब का ऑप्शन आपको मिल जाएगा तो उसको सेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है ASP.NET एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, यानी कि वेब एप्लीकेशन जो मैंने यहाँ से पहले से ही जो सिलेक्ट कर रखे और यहाँ पे भी जो आप देख सकते हैं ASP.NET जो एप्लीकेशन है वो उसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला बटन है उस पर क्लिक कर देना है और जो कॉन्फ़िगर योर न्यू प्रोजेक्ट वाला पेज आपके सामने ओपन हो उसमें जो फर्स्ट आपको प्रोजेक्ट का नेम है उसमें हमें नेम कोई भी आपको दे देना है, जो भी आपको अच्छा लगे वो नाम आपको दे देना है। मैं यहाँ पे ग्रिड व्यू एडिटिंग 1 2 3 फाइल का नाम दे देता हूँ, ग्रिड व्यू एडिटिंग 1 2 3। उसके बाद यहाँ पे जो क्रिएट जो लोकेशन है आप जिस भी लोकेशन पे सेट करना चाहते हैं वहाँ पे आपको सेट कर देना है। मैं यहाँ पे अपनी जो एफ ड्राइव है उस पर सेट कर देता हूँ लोकेशन एफ ड्राइव ASP.NET। उसके बाद ओके सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे जो .NET फ्रेमवर्क है हमें लेटेस्ट 4.7 का सेट रखना है और यहाँ पे जो क्रिएट वाला बटन है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके सामने क्रिएट अ न्यू ASP.NET वेब एप्लीकेशन का पेज है वो आपके सामने शो होगा। यहाँ पे हमें जो एम्प्टी है उसको क्लिक रखना है और यहाँ पे जो वेब फॉर्म है उस पर क्लिक कर देना है। हम दोस्तों यहाँ पे MVC का यूज़ नहीं कर रहे इसलिए यहाँ पे वेब फॉर्म को सिलेक्ट रखना है और जो क्रिएट वाला बटन है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए जो आपका प्रोजेक्ट है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है उस पर आप देख सकते हैं जो ग्रिड व्यू एडिटिंग 1 2 3 है, जो हमारे फाइल्स आ गए और उसके अंदर जो ऐप डेटा और मॉडल्स के फोल्डर्स बने हुए हैं। दोस्तों अगर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन नहीं हो रहा है तो आपको व्यू मेनू में जाके जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है उसको ओपन कर देना है। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे इसमें एक जो डेटाबेस है उसको हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जो ग्रिड व्यू एडिटिंग 1 2 3 वाली हमारी फाइल है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, उस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जो ऐड वाला बटन है उस पर आ जाना है। और यहाँ पे जो न्यू आइटम का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जो लास्ट में जो कोड के ऊपर यहाँ पे डेटा का ऑप्शन आपको मिलेगा उस पर आ जाना है और यहाँ से जो SQL सर्वर डेटाबेस है उस पर सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे जो नेम है डेटाबेस का, डेटाबेस 1.MDF पहले से ही बाय डिफॉल्ट आएगा, आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप जो भी नेम देना चाहते हो आप दे सकते हैं। हम यहाँ पे GD1 जो डेटाबेस का नेम है वो दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ऐड वाला बटन है उस पर क्लिक कर देते हैं तो डेटाबेस है वो ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आपको एक पॉपअप आएगा उस पर यस आपको दे देना है। यहाँ पे देखिए जो
एप डेटा के अंदर gd1.mdf फाइल है वो आ चुकी है, और यहाँ पे जो सर्वर एक्सप्लोरर है वहाँ पे gd1.mdf की जो डेटाबेस फाइल आ चुकी है। अगर सर्वर एक्सप्लोरर यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है दोस्तों, तो आपको जो व्यू मेनू में जाके जो सर्वर एक्सप्लोरर है उसको ओपन कर लेना है दोस्तों। अब हमें यहाँ पे जो gd1.mdf का जो डेटाबेस है उसके अंदर हमें जो एक टेबल है उसको क्रिएट कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे जो gd1.mdf फाइल है उसको रिफ्रेश कर देना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे रिफ्रेश वाले बटन है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट का मतलब है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो टेबल्स का ऑप्शन आपको मिल रहा है उस पर राइट क्लिक करना है और एक जो टेबल है उसको हमें ऐड कर लेना है। यहाँ पे ऐड न्यू टेबल वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्रिएट टेबल वाली क्वेरी आपके सामने आ जाएगी दोस्तों, आप वहाँ पे एंटिटी के थ्रू भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे कर देते हैं, सबसे पहला फील्ड हम ले लेते हैं आईडी। आईडी में दोस्तों डेटाबेस बाय डिफॉल्ट इंटीजर सेट है और नॉट नल प्राइमरी की सेट है, तो हम उसको रहने देते हैं वैसे ही। और जो नेक्स्ट जो दूसरा फील्ड है वो हम ले लेते हैं डेटाबेस का, उसमें हम दे देते हैं नेम। उसकी डेटा टाइप दोस्तों हम वारकेर दे देते हैं और साइज हम 15 दे देते हैं। यहाँ पे नॉट नल सेट कर देते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर का फील्ड हम ले लेते हैं सिटी, यहाँ पे वारकेर 15 को सेट कर देते हैं और नॉट नल को ले लेते हैं नॉट नल। नॉट नल उसके बाद जो लास्ट में यहाँ पे जो सेमी कॉलन है उसको कर देते हैं और यहाँ पे जो टेबल का नेम है वो दे देते हैं। टेबल का नाम दोस्तों आप कोई भी रख सकते हैं, हम यहाँ पे स्टूडेंट ही नेम रख देते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पे जो अपडेट वाला जो ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे जो टॉप में, उस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने जो प्रीव्यू डेटाबेस अपडेट का जो बॉक्स सामने आएगा वहां पे आपको अपडेट डेटाबेस है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे नीचे जो डेटा टूल्स ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल आ जाए, उसके बाद उसको रिमूव कर देना है और यहाँ पे जो टेबल्स है उसको रिफ्रेश कर लेना है। यहाँ पे रिफ्रेश वाले बटन पे क्लिक कर देना है और उस पर क्लिक करेंगे तो जो हमने टेबल क्रिएट किया था वो यहाँ पे आ चुका है स्टूडेंट्स नाम का दोस्तों। स्टूडेंट्स का देखिए जो टेबल आ गए और तीनों फील्ड आ गए। अब यहाँ पे जो टेबल की डिजाइनिंग है उसको रिमूव कर देते हैं, अब हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद दोस्तों हमें सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है उस पर आ जाना है, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम जो यहाँ पे स्टूडेंट्स का डेटा है उसके अंदर जो हम दो डेटा है उसको इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो शो टेबल डेटा है उस पर आ जाना है और यहाँ पे जो आईडी है उसमें हम 1 दे देते हैं। नेम में अपना खुद का भी ले लेता हूँ जयेश, उसके बाद सिटी पे मैं सूरत। उसके बाद जो दूसरा रिकॉर्ड है वो भी हम ले लेते हैं, दो रिकॉर्ड हम दोस्तों डेमो के लिए ले लेते हैं 2। उसके बाद नेम यहाँ पे जय, उसके बाद सिटी, सिटी यानी कि जयपुर, और यहाँ पे कंट्रोल ऐसे वो दे देना है। और यहाँ पे एक बार जो स्टूडेंट का टेबल है उसको रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे जो टेबल डिजाइन है उसको रिमूव कर देना है। अब दोस्तों हमें जो अपना सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है उस पर आ जाना है, यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है उस पर आ जाना है और यहाँ पे जो हमारी फाइल थी gridview.editing उस पर राइट क्लिक करके एक हमें जो वेब फॉर्म है वो ले लेना है। यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे जो न्यू आइटम है उस पर आना है। जैसे ही दोस्तों डायलॉग बॉक्स शो हो यहाँ से हमें वेब वाला ऑप्शन है उस पर आना है और यहाँ से हमें एक जो वेब फॉर्म है दोस्तों उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से वेब फॉर्म को सिलेक्ट कर लेते हैं, नेम दोस्तों हम वेब फॉर्म 1.xpx ही रहने देते हैं, हमें उसको कुछ चेंजिंग करना नहीं है। ऐड वाले बटन पर क्लिक करके वेब फॉर्म को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देखें जो दोस्तों जो वेब फॉर्म है वो ऐड हो चुका है। यहाँ पे हम जो टाइटल है वो दे देना है, टाइटल हम दे देते हैं दोस्तों ग्रिड व्यू एडिटिंग, ग्रिड व्यू एडिटिंग।
रेडियो एडिट। उसके बाद यहाँ पे जो डीवी टैग है बॉडी टैग के अंदर जो फॉर्म्स है बाय डिफॉल्ट जो इतना कोड्स है वो आता है उसमें। दोस्तों हमें एक जो टूल बॉक्स में जाके एक ग्रिड व्यू है उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे टूल बॉक्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो टूल बॉक्स आपके सामने शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करने पर जो डेटा वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको जो ग्रिड व्यू है वो मिल जाएगा। यहाँ पे देखे जो ग्रिड व्यू है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे जो ग्रिड व्यू है वो आ चुका है। अब दोस्तों ग्रिड व्यू है उसकी जो कुछ जो प्रॉपर्टीज है उसको हमें सेट करना होगा। यहाँ पे डिजाइनिंग वाले पार्ट्स पे आते हैं। और यहाँ पे जो ग्रिड व्यू है उसको राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन है उस पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो ऑटो जनरेटेड कॉलम है वो बाय डिफॉल्ट ट्रू है, उसको हमें फॉल्स कर देना है। ऑटो जनरेटेड कॉलम है उसको हमें फॉल्स कर देना है। उसके बाद एक जो अलो पेजिंग का ऑप्शन है उसको भी हमें ट्रू करना होगा और दोस्तों फॉल्स का होगा। यहाँ पे देखे जो अलो पेजिंग का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट फॉल्स का है उसे हमें ट्रू कर देना है, यहाँ से ट्रू। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इवेंट, यहाँ पे देखे जो फोर्थ नंबर पे इवेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा, हमें जो कुछ इवेंट है उसकी आवश्यकता है, हम उस पहले से इवेंट को ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो रो अपडेटिंग करेंगे तो हम जो रो अपडेटिंग वाली इवेंट है उसको क्लिक कर देते हैं। रो अपडेटिंग यहाँ पे देखे जो रो अपडेटिंग है उसकी जो इवेंट है वो आ चुकी है। उसके बाद दोस्तों हमें एक रो एडिटिंग की जो इवेंट है वो भी उसकी भी आवश्यकता है। तो हम जहाँ पे डिजाइनिंग वाले पार्ट्स पे फिर से आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं, इवेंट में आते हैं रो एडिटिंग। यहाँ पे देखे जो रो एडिटिंग। उसके बाद दोस्तों एक हमें जो रो कैंसलिंग है उसकी भी आवश्यकता होगी, तो हम रो कैंसलिंग है उसको भी यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे रो अपडेटिंग डिलीटिंग रो कमांड रो कैंसलिंग। उसके बाद रो कैंसलिंग के बाद दोस्तों जो पेज इंडेक्स चेंजिंग है उसकी भी इवेंट की हमें आवश्यकता है, तो हमें जो पेज इंडेक्स चेंजिंग की इवेंट से वो ले लेनी है। यहाँ पे डिजाइनिंग पे आना है, प्रॉपर्टी दोस्तों हम पहले से ही इवेंट ले लेते हैं ताकि हमें बार बार इवेंट लेने की जरूरत ना पड़े। पे पेज इंडेक्स चेंजिंग को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों अब हमें जो ग्रिड व्यू का कोड है, सबसे पहले हमें जो ग्रिड व्यू है उसको यहाँ पे फिल कराना होगा। पहले हम ग्रिड व्यू को फिल कराएंगे, उसके बाद जो भी ग्रिड व्यू का डेटा फिल हो रहा है उसको हम अपडेटिंग कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम जो बटन से वो ले लेते हैं। यहाँ पे जो ग्रिड व्यू का कोड है उसको यहाँ पे आपको एरो का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो एडिट कॉलम है उस पर आ जाना है। और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेगा कमांड फील्ड, कमांड फील्ड है उसमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखे जो एडिट अपडेट एंड कैंसलिंग का बटन आपको मिलेगा, यहाँ पे ऐड वाले बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो ओके वाला बटन है उस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको एडिट का बटन है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले हमें जो ग्रिड व्यू है उसको हम उसकी डिजाइनिंग में पहले फेच कराते हैं और उसके बाद उसका फंक्शन में उसको कॉल कराते हैं। हमें दोस्तों यहाँ पे जो वेब फॉर्म्स है उसकी जो सोर्स कोड है उस पर आ जाना है जहाँ पे हमने ग्रिड व्यू को लिया है। यहाँ पे दोस्तों कॉलम्स के अंदर आपको यहाँ पे जो एक बटन दिखाई दे रहा है उसके अंदर हमें जो टेम्पलेट फील्ड है उसमें जो ग्रिड व्यू का डिजाइनिंग कोड ले लेना है। सबसे पहले हमें ASP जो लास्ट में आपको टेम्पलेट फील्ड मिलेगा उसको ले लेना है। इसके अंदर दोस्तों टेम्पलेट फील्ड में हेडर टेक्स्ट को ले लेना है, जो भी आप हेडर टेक्स्ट देना चाहते हैं। हेडर टेक्स्ट इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो स्टूडेंट्स आईडी। उसके बाद यहाँ पे जो टेम्पलेट फील है उसके अंदर एक हमें जो आइटम टेम्पलेट है उसको ले लेना है। यहाँ पे आइटम टेम्पलेट और जो आइटम टेम्पलेट है उसके अंदर दोस्तों हमें एक लेबल है उसको लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक लेबल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, यहाँ से हमने लेबल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे लेबल के आईडी भी आपको जो भी सेट करना चाहते हो वो सेट कर देनी है आपको। और यहाँ पे जो टैक्स वाला है जहाँ पे हमें डबल इन्वर्टेड कोमा में जो टैक्स लिखा था वहाँ पे हमें सिंगल इन्वर्टेड कोमा है उसका टैक्स लेना है। और उसके बाद यहाँ पे जो
साइन, ये जो आप लेस देन की साइन है और जो परसेंटेज की साइन, उसके बाद यहाँ पे एस साइन, इवल इवल कीवर्ड को लिखना है, उसके बाद यहाँ पे काउंस, काउंस के अंदर दोस्तों डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी डेटाबेस के फील्ड का नाम है, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर पे जाके देख लेना है जो भी, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे आपने कैपिटल लिया है तो कैपिटल स्मॉल में लिया है, जो भी डेटाबेस में टेक्स लिया है वही सेम टेक्स यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे जो पूरा जो लेबल का जो टैग है उसको कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद यह जो पूरा टेम्पलेट फील है उसको दोस्तों कॉपी कर लेना है, ताकि हमें सेम सब में ही ऐसे ही जो टेम्पलेट फील है तीनों ही ले लेना है। पहला आईडी का हो गया कंट्रोल सी, उसके बाद इसको दो बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल वी, और फिर से एक बार कंट्रोल वी। यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी है दूसरा, वहाँ पे स्टूडेंट्स नेम, उसके बाद यहाँ पे जो आपको चेंजेस यहाँ पे सिर्फ एक ही करनी है, यहाँ पे हमने नेम ले लेना है, यहाँ पे आईडी है वो सेकंड कर देनी है लेबल की, पे लेबल वन था यहाँ पे लेबल टू। उसके बाद थर्ड नंबर पे है वो स्टूडेंट सिटी, यहाँ पे स्टूडेंट्स हटा देते हैं और सिर्फ सिटी को रख देते हैं सिटी। उसके बाद यहाँ पे लेबल की आईडी है वो थ्री, और यहाँ पे जो भी हमने डेटाबेस फील्ड का नेम लिया है वही सिटी, और यहाँ पर कंट्रोल ऐसे वो कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिजाइनिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और जो ग्रिड व्यू है उस पर सॉरी दोस्तों यहाँ पे सर्च कोड पे आ जाना है। और यहाँ पे हमने जो सिलेक्ट किया था यहाँ पर दोस्तों डिजाइनिंग पे, डिजाइनिंग पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रिड व्यू है वो शो हो रहा है, आईडी स्टूडेंट नेम एंड सिटी, हमें उस पर जो ग्रिड व्यू है उस पर डबल क्लिक कर देनी है। और हम जैसे यहाँ पे सिलेक्टेड इंडेक्स पेज इंडेक्स चेंजेस पे आ जाए, सबसे पहले हम ग्रिड व्यू है उसको फिल करा देते हैं। उसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पर सबसे पहले जो हेडर फाइल है वो लेनी होगी यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, जो भी हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं हम एसक्यूएल क्लाइंट का यूज कर रहे हैं तो हम एसक्यूएल क्लाइंट, उसके बाद यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ यानी कि इनपुट आउटपुट। उसके बाद दोस्तों हम पहले यहाँ पे जो वेब फॉर्म है उसके हम वेरिएबल्स ले लेते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स है वो ले लेते हैं, तो हमें आसानी से आप समझ पाएंगे, इसलिए यहाँ पे हम एसक्यूएल कनेक्शन, कनेक्शन के लिए सी ओ एन का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, उसके बाद एसक्यूएल कमांड सी एम डी, उसके बाद जो स्ट्रिंग एस टी आर, एसक्यूएल डेटा एडेप्टर डी ए इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डेटा एडेप्टर, तो डेटा सेट, डेटा सेट डी एस इक्वल टू न्यू डेटा सेट, डेटा टेबल टी टी इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। दोस्तों ये जो आप कोड आप पहले ऑब्जेक्ट नहीं लेना चाहते हैं तो आप वैसे भी सी एम डी इक्वल टू न्यू सी एम डी और डायरेक्ट ही क्वेरी करके भी आप कोड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो हम आसानी से समझ में आ सके इसलिए ऐसा लॉन्ग कोड कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों पेज लोड इवेंट है उस पर हमें कनेक्शन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पे हमें जो भी डेटाबेस का पाथ है वो ले लेना है कॉपी करके, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी, यहाँ पे हम एक एट द रेट का साइन रख देते हैं, कनेक्शन को यहाँ ही ओपन करा देते हैं कनेक्शन ऑफ डॉट ओपन, ताकि हमें हर बार क्लोज और ओपन ना कराना पड़े। उसके बाद दोस्तों हमें सबसे पहले हमें अपना एक जो फोल्डर वीडियो को फेच कराने के लिए सबसे पहले एक जो फंक्शन लेना पड़ेगा, हम यहाँ पे void
OEDM जी फील का फोल्डर ले लेते हैं जी फील। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप ट्रैकेज ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले str इक्वल टू क्वेरी के अंदर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी टेबल का नेम है वही स्टूडेंट्स। उसके बाद DA यानी कि डेटा एडेप्टर इक्वल टू न्यू SQL डेटा एडेप्टर स्ट्रिंग वेरिएबल जो भी हमने लिया है। उसके बाद कनेक्शन डेटा एडेप्टर DA डॉट फिल डेटा सेट DS। उसके बाद ग्रिड यू वन डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू DS। उसके बाद ग्रिड यू वन डॉट डेटा बाइंड फंक्शन को कॉल। और उसके बाद यहाँ पे जो हम पेज लोड वाले इवेंट है यहाँ पे इज इफ नॉट इक्वल टू की साइन इज पोस्ट बैक। और इसके अंदर हम जो ग्रिड यू का फंक्शन है जी फिल उसको कॉल करा देते हैं जी फिल, यानी कि जो ग्रिड यू का डेटा है वो यहाँ पे कॉल हो चुका है। तो दोस्तों हम एक बार उसको चेक करते हैं कि जो भी हमने ग्रिड यू का डेटा फेच कराया वो यहाँ ग्रिड यू तक पहुँचा है या नहीं। तो जैसे हमने चेक किया यहाँ पे हमारा जो ग्रिड यू का जो डेटाबेस का डेटा है वो ग्रिड यू में यहाँ पे फिल हो रहा है दोनों ही डेटा। जैसे हम दोस्तों एडिट वाली जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं तो हमने वहाँ पर कुछ कोड किया नहीं है तो इसलिए उसमें कुछ नहीं आएगा, लेकिन हम जो उसका कोड है वो हम इवेंट है उस पर हम कोड करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें अपनी जो .cs फाइल है उस पर आ जाए और यहाँ पे हमने जो रॉ एडिटिंग वाली जो हमने इवेंट की थी प्रोटेक्टेड विद ग्रिडव्यू वन डॉट रॉ एडिटिंग, उसमें दोस्तों हमें यहाँ पे ग्रिडव्यू वन जो भी आईडी लिया है हमने ग्रिडव्यू वन डॉट एडिट इंडेक्स, एडिट इंडेक्स इक्वल टू ई डॉट न्यू एडिट इंडेक्स दोस्तों, और यहाँ पे सेमी कलर जो भी हमारा एप जील वाला जो मतलब जी फील वाला जो हमने ग्रिड यू का फंक्शन है उसको कॉल करा देना है। उसके बाद जैसे ही हमने दोस्तों रॉ कैंसलिंग एडिट वाला जो हमारा हमने लिया है उस पर दोस्तों हमें ग्रिड यू वन डॉट पेज इंडेक्स इक्वल टू ई डॉट यानी कि ई यानी कि ऑब्जेक्ट ई डॉट न्यू पेज इंडेक्स यहाँ पे पेज इंडेक्स इक्वल टू ई ऑब्जेक्ट ई डॉट यानी कि आप यहाँ पे रॉ इंडेक्स भी ले सकते हैं यानी कि न्यू नहीं आएगा दोस्तों सिर्फ ही रॉ इंडेक्स। उसके बाद यहाँ पे रॉ इंडेक्स और जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल करा देना है जी फील। उसके बाद दोस्तों अब बची है पेज इंडेक्स चेंजिंग, हमें दोस्तों पेज इंडेक्स चेंजिंग है वहाँ पे हमें पेज इंडेक्स चेंजिंग का जो कोड है जो ऐसा सिंपल कोड कर देना है जो भी आपने ग्रिड यू की आईडी दी है ग्रिड यू वन डॉट पेज इंडेक्स इक्वल टू ई ऑब्जेक्ट डॉट न्यू पेज इंडेक्स, ये वरना तो न्यू सिलेक्टेड इंडेक्स भी आप ले सकते हैं न्यू ई डॉट न्यू सिलेक्टेड इंडेक्स। और जो भी हमारा फंक्शन है जी फिल उसको यहाँ पे एक बार कॉल करा देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें जो रो अपडेटिंग वाली जो इवेंट है रो अपडेटिंग वाली उस पर आ जाने और वहाँ यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ ग्रिड यू को अपडेट कराने के लिए हमें उसका जो ऑब्जेक्ट्स है वो लेने पड़ेंगे। उसके लिए दोस्तों हमें पहली आईडी हमने ली थी आईडी तो उसके लिए हमें लेबल लेना है लेबल आई, आईडी का हम आई जो ऑब्जेक्ट्स है वो ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रिड यू वन आईडी डॉट रोज डॉट रोज यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है रोज, और जो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट ई डॉट रो इंडेक्स। उसके बाद डॉट फाइंड कंट्रोल और जो काउंस के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी डेटाबेस आईडी आपने लिए
या तो आप उसकी आईडी का नेम है वही भी यहाँ पे रख सकते हैं, एल बी एल एफ आई डी। हमने यहाँ पे लेबल वन लिया है तो यहाँ पे आप लेबल वन भी ले सकते हैं, लेबल वन एज लेबल, उसके बाद लास्ट में यहाँ पे एज लेबल, एज लेबल। तो ऐसे स्क्वाड है उसको कॉपी भी आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा है वो टेक्स्ट बॉक्स हमें लेना है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमें दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का ऑब्जेक्ट्स है वो हमें ले लेना है। हम यहाँ पे एन ले लेते हैं, उसके बाद इक्वल टू, इक्वल टू करके जो भी हमने यहाँ पे जो ग्रिड व्यू का है जो कोड है जो फाइंड कंट्रोल वाला उसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ पे कंट्रोल वी। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो लेबल वन आईडी सेम है तो उसको आईडी को लेबल टू कर देना है और यहाँ पे लेबल की जगह पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है, जो टेक्स्ट बॉक्स। और उसके बाद फिर से यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स और जो थर्ड नंबर सिटी के लिए सी इक्वल टू, और हमें यहाँ पे जो आईडी है वो थ्री दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे लेबल है उसकी जगह पे हमें टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है, टेक्स्ट बॉक्स। और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे जो इफ़ एक हम जो इफ़ कंडीशन ले लेते हैं, इफ़ अगर आप कंडीशन नहीं लेते फिर भी है चलेगा, लेकिन हम कंडीशन ले लेते हैं। अब दोस्तों अगर आप इमेज अपलोड कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एफ डॉट एस फाइल है उसकी कंडीशन आपको यहाँ पे लेनी होगी अगर आप जो इमेज को कराना चाहते हैं अपडेट, तो अदरवाइज आप वैसे ही डायरेक्ट भी क्वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे एस टी आर इक्वल टू यहाँ पे जो अपडेट की क्वेरी, अपडेट टेबल नेम जो भी है वो स्टूडेंट्स, और उसके बाद सेट, सेट कीवर्ड, और जो पहला जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो डेटाबेस यानी कि नेम, सेकंड नेम इक्वल टू जो हमने यहाँ पे वार के डेटा टाइप लिए इसलिए एन ऑब्जेक्ट लिया है, एन डॉट टेक्स्ट। और जो दूसरा फील्ड यानी कि सिटी, सिटी इक्वल टू सिटी के लिए हमने सी लिया है, सी डॉट टेक्स्ट। और उसके बाद वेयर, वेयर में दोस्तों हमें जो लास्ट में हमारा आईडी जो हमारा पहला फील्ड था उसमें दोस्तों इंटीजर डेटा टाइप है वो लिए है, तो उसके लिए यहाँ पे जो आई डॉट टेक्स्ट, आई डॉट टेक्स्ट, और लास्ट में सेमी कॉलन है वो कर देना है। उसके बाद सी एम डी यानी कि कमांड इक्वल टू न्यू एस क्यू एल कमांड स्ट्रिंग और कनेक्शन, और उसके बाद लास्ट में सेमी कॉलन। उसके बाद इफ कंडीशन, इफ सी एम डी डॉट एग्जीक्यूट, डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी इक्वल इक्वल वन, जो कंडीशन है उसके अंदर हमें एक जो मैसेज है वो हमें दे देना है, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट करके हम जो मैसेज है वो अपडेटेड का दे देते हैं, अपडेटेड यानी कि रिकॉर्ड से वो अपडेटेड हो चुके हैं। उसके बाद उसकी जो इल्स कंडीशन है यहाँ पे इल्स, उसके अंदर यहाँ पे जो रिस्पॉन्स डॉट राइट मैसेज है जो नॉट अपडेटेड का दे देते हैं, नॉट अपडेट। यहाँ पे जो हमारा जो पूरा है कोडिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट में दोस्तों हम जो बी जी फील का फंक्शन किया है उसको यहाँ पे कॉल करा देना है। तो दोस्तों ये जो पूरा कोड है अपडेटिंग का है वो हो चुका है। जो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम दोस्तों इंसर्टिंग एंड जो एडिटिंग जो डिलीटिंग है उसको हम कराएंगे, लेकिन सबसे पहले उसको हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो वीडियो की जो डिजाइनिंग थी जो हमने आइटम टेम्पलेट में लेबल लिया है उसके नीचे हमें एक जो एडिट आइटम टेम्पलेट है वो टेक्स्ट बॉक्स एडिटिंग के लिए लेना होगा। हमें दोस्तों यहाँ पे एडिट जो एडिट आइटम टेम्पलेट है उसको हम ले लेते हैं और इसके अंदर एक जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको ले लेते हैं। यहाँ पे टूल बॉक्स पे आते हैं, टूल बॉक्स में से हमें यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स की आईडी है वो आप सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो टेक्स्ट नेम जो टेक्स्ट बॉक्स की आईडी है वो सेट कर देते हैं। वैसे ही सेम दोस्तों यहाँ पे आप
जो दूसरा जो सिटी वाला है उसको भी हमें यहाँ पे एडिट आइटम टेम्पलेट्स ले लेना है। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी। उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट के आईडी है उसको चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट इक्वल टू हम यहाँ पे सिटी कर देते हैं और यहाँ पे जो कंट्रोल एस कर देना है। और हमें यहाँ पे जो डॉट सी एस वाली फाइल है उसके भी चेंजेस करना पड़ेगा। जो भी हमने अपडेटिंग की जो हमने क्वेरी की थी, यहाँ पे हमने जो लेबल टू आईडी दी है हमें उसको हटा देना है। और उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट नेम और जो दूसरा है वहाँ पे टेक्स्ट सिटी है उसको सेट कर देना है, यहाँ पे टेक्स्ट सिटी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम कंट्रोल एस करके हम इसको रन करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसे हम रन करते हैं तो एडिटर पे हमारे सामने ग्रिड व्यू है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम जो दूसरा जो पहला रिकॉर्ड है उसको हम एडिट करेंगे। जैसे हम एडिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो दोनों ही टेक्स्ट बॉक्स है वो ब्लैंक आ जाएगी, यानी कि एम्प्टी आ जाएगी। यहाँ पे हम दोस्तों जो मैंने पहले जेएस एड किया था उसकी जगह पर मैं अपना नेम है वो चेंज कर देता हूँ, मैं जेएस आहिर जो मेरे सरनेम है वो सेट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो सिटी है, सिटी हमने पहले जो सूरत है वो सेट किया था, अब मैं यहाँ पे सिटी है उसको चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पे वडोदरा सेट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो अपडेट वाला बटन है उस पर हम क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे हमने अपडेट किया है यहाँ पे लास्ट में आप टॉप में आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेटेड है उसका मैसेज आ चुका है, यहाँ पे अपडेटेड। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको जो हटा देना है और जो हमारा जो फाइल था उसको रिफ्रेश कर देना है, ताकि हम अगर चेक करना चाहते हैं हम अपने जो टेबल है उसके अंदर चेंजेस हुआ है ही नहीं, तो हमें अपने जो सर्वर एक्सप्लोरर है उस पर आ जाना है। यहाँ पे आपको शो टेबल डेटा है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने जो पहला रिकॉर्ड जो चेंज किया था वो चेंज हो चुका है, यहाँ पे सरनेम ऐड हो चुके हैं और जो सिटी का नेम है वो भी चेंज हो चुका है। तो दोस्तों हम जो दूसरा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम दोस्तों रो इंसर्टिंग एंड जो रो डिलीटिंग वाला जो कमांड है उसको हम करेंगे, ताकि एक वीडियो में ही करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारी चैनल टेक्नोसाइल स्टडी है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।